हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं आशी इंग्लिश क्लास चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड हम अपने इस वीडियो पे क्या सीखेंगे, व्हेन का यूज सीखेंगे और व्हेन के जितने भी टाइप होते हैं उन लोगों का यूज सीखेंगे। उससे पहले फ्रेंड आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल आशी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड हम अपने टॉपिक पे व्हेन का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब क्या होता है, कब या जब, ठीक है। उसके बाद और व्हेन में कुछ स्टेप्स और भी व्हेन लगाते हैं तो वहाँ पे उसके भी मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। अप टू व्हेन और टिल व्हेन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अप टू व्हेन या टिल व्हेन का मतलब क्या होता है, कब तक होता है। फिर है क्या आपका सिंस व्हेन, सिंस व्हेन मतलब क्या होता है, कब से, ठीक है। फिर क्या है आपका फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, ठीक है, कब से कब तक होता है इसका मतलब, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको व्हेन और व्हेन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं मैंने उसके बारे में यहाँ पे बताया। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इसका पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए फ्रेंड, कैसे इसके सेंटेंस बनेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे व्हेन या जो भी है सिंस व्हेन या फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, यहाँ पे जो भी सबसे पहले आपका वो आएगा, उसके बाद टेंस या मॉडल के हिसाब से यहाँ पे मॉडल या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसके इस स्ट्रक्चर्स में बैठा के आप सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जांपल क्या लिया है मैंने, तुम यह प्रश्न कब हल करोगे, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे, कब आ रहा है, ठीक है। और आपका कौन सा टेंस है, करोगे, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आपका कब के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पे कब के लिए व्हेन लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल लगेगा, व्हेन विल। उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट तुमको क्या बोलते हैं, यू, है ना। हल करने को क्या बोलेंगे, सॉल्व, ठीक है, इस प्रश्न को, तो दिस क्वेश्चन, ठीक है। When will you solve this question? समझ में आया फ्रेंड। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। उसने टीवी कब तक देखा, है ना, है आपका ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, कब तक देखा। अब कब तक के लिए आपको क्या लगाना है यहाँ पे, कब तक के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है, अप टू व्हेन, ठीक है, अप टू व्हेन। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगाना है, पास सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या, उसने को क्या लगेगा यहाँ पे, ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। फिर क्या चीज को, टीवी, तो द टीवी, ठीक है। अप टू व्हेन डिड ही वॉच द टीवी, ठीक है। कैसे बनाए सेंटेंस आपको समझ में आया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, वे कब से पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कब से, कब से के लिए क्या लेना है अपने को, सिंस व्हेन, ठीक है। उड़ा रहे हैं कब से, उस समय से कुछ करते आ रहे हैं, तो क्या है आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। तो आपका वे दे के साथ क्या लगेगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। फिर फ्लाइंग काइट, ठीक है, फ्लाइंग काइट, क्योंकि कर रहे हैं कंटिन्यू, तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, आप यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, फ्लाइंग काइट, काइट मीन्स पतंग, ठीक है। सिंस व्हेन हैव बीन दे फ्लाइंग काइट, ठीक है फ्रेंड, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, सर कब से कब तक पढ़ाते हैं, ठीक है, सर कब से कब तक पढ़ाते हैं। तो कब से, यहाँ से कब तक के लिए आप क्या लेंगे यहाँ पे, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, ठीक है, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन लगाएंगे। पढ़ाते हैं क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है सर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा, डज। सब्जेक्ट क्या है आपका सर, पढ़ाने को क्या बोलेंगे, टीच, ठीक है, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन डज सर टीच, ठीक है फ्रेंड, आया समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको,
वह गाना कब गाएगा? कब का मतलब यहाँ पे कब के जगह में क्या लगाना है? वैन लगाना है, ठीक है। गाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, तो वह का क्या होता है? ही, ठीक है। अब गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वैन विल ही सिंग ए सॉन्ग, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने आपको वैन का यूज बताया, वैन से रिलेटेड जिस टाइप के भी सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह और सीखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।